अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरो रेसिपी व्लॉग में। तो बताओ हमें आज अपना किस बारे में व्लॉग बन रहा है? तो आज हमारा व्लॉग बन रहा है, आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। फैमिली प्लानिंग की है क्या? फैमिली ट्रिप है। फैमिली ट्रिप है, हमारे पूरे घर वाले मिलके हम लोग सब जा रहे हैं लोनावाला विला में। वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करेंगे। बराबर। तो ये मतलब रमजान हो गया, रमजान होने के मम्मी बोले कि मेरे को छुट्टी में किधर घूमने जाना है करके। मैं बोला चलो पहली शुरुआत अपन लोनावाला से विला से करते। ठीक है, तो हम लोग जो विला में जा रहे हैं वो विला का नाम है कार्निवल हिल विला। काफी अच्छा विला है, काफी बेहतरीन विला है। हम लोग उधर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा विला है करके। एक नंबर है उधर सब एकदम। वहाँ का सारा वीडियो बताएंगे, वहाँ का फूड बताएंगे, वहाँ की सारी फैसिलिटी आप लोगों को बताएंगे। बराबर। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर, क्योंकि हम लोग को पहले लेट हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। तो पहले मम्मी का आपको लुक दिखा देता हूँ और डैडी का भी लुक दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहे करके। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम अस्सलाम वालेकुम। तो चले गाइस, यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, एकदम मैचिंग हम लोगों ने पहने हैं। माशाल्लाह मैचिंग पहनते हैं। और कैसा लग रहा है? मस्त पाकिस्तानी ड्रेस है ये, पाकिस्तानी लूज टाइप में ड्रेस मैंने ये रेडीमेड है ना, रेडीमेड ली हूँ मैं। ब्लैक कलर की जूती पहनी हूँ जो मुझे कसाला ने गिफ्ट की है। बराबर। और गले में क्या पहने तुम? मोती जैसा? ये मोती वाला पहनी हूँ मैंने, ये मेरे को सना ने दी थी गिफ्ट है। अच्छा। और ये भी मुझे सना ने दी थी कान का। तो अभी आप उनको कौन कौन अपने साथ आ रहा है? तो अभी हमारे साथ में आ रहे हैं मेरे फुप्पा फुप्पी, सना, समीर, मेरी बहन, मेरे भौनई, मेरा भाई, मेरी भाभी और दूसरा वाला भाई और रजा। और उसके बाद में अब्बास छोटा, मेरे भाई के दोनों बेटे। और इसके बाद आमिर भाई, आमिर, फातिमा, हिबा। हम लोग की फैमिली कम से कम 18 से 20 लोग जा रहे हैं। सब लोग साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए अभी फटफट हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद जा रहे हैं हम लोग, मिलते हैं आपको बस के अंदर। तो क्या ये देखो, ये हमारी सामने बस खड़ी है, मिनी बस हम लोग ने की है इधर से। अब इधर से हम लोग के घर से ये बस जाएगी मुमरा से, मतलब मेरे नाना नानी इन लोग को पिकअप करेंगे, खाला इन लोग को, फिर उधर से हम लोग निकलेंगे लोनावाला। ये देखे मस्त बस है एकदम एसी वाली, एक नंबर। चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे हमारी बस में बैठ चुके हैं। आधे लोग बस काफी हिल रही है, बस काफी हिल रही है मोबाइल पकड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है और मस्त एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोगों को आगे मिलेगी मेरी बहन सना, समीर है ना, नाना नानी। तो मेरा ये न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरा भी न्यू हेयर स्टाइल है, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना आप लोग। समीर आ गए, मेरे बहन भौनी आ गए। तो अभी आसिफ आप लोगों को, सब लोगों को दिखाएगा। खाना इधर है, खालो यहाँ पे आ गए। पप्पा को भी ले जाओ थोड़ा, कैमरा में कैसे हमारा पप्पा। मान मान सान, भले बाल सही है क्या? हाँ सही है। यहाँ पे पीछे सना भाभी, समीर बैठे, सना भी यहाँ पे, नानी बैठे। फातिमा किधर है? हिबा और फातिमा एक ही सीट पे बैठे। फातिमा हाथ बताओ इधर कैमरे में। तो क्या बोलना चाहते हैं मम्मी? पेट्रोल डीजल बनने, हाँ डीजल भर गया, अभी निकलेंगे। हाँ रस्ते पे फुल एंजॉय करते करते जाएंगे। हाँ कौन से गाने पे? ABCDEFG
पहचानते हैं। हाँ। और हम आए हैं कौन से विला में आतिफ? कार्निवल हिल विला जो नोनावाला में है। हाँ। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने मेरा वेलकम बहुत ही अच्छे से किए, इसीलिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो हमारी गाड़ी अभी पार्किंग हो चुकी है, जैसी गाड़ी पार्किंग हुई वैसी हमारी अंदर एंट्री होती है। एंट्री होने के साथ में सामने भी उन्होंने वेलकम अच्छा लगाए हैं, पूरे फुटके वगैरह से सजाए हैं। और ये साइड में जो है, ये साइड में एक छोटा सा गार्डन टाइप बना हुआ है, काफी ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत प्यारा लग रहा है। जब ये रात को इसकी लाइट चालू होगी तो ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत लगेगा। हाँ। तो रात का भी जो व्यू रहेगा आपको मैं वो बताऊंगी कैसा है। और यहाँ पे कुछ उन्होंने आम के झाड़ लगाए हुए हैं, जैसे कि चेरी के झाड़। ये असली आम है? हाँ, ये असली आम का झाड़ है। हाँ, कुछ आम के झाड़ है, चेरी के झाड़ है माशाल्लाह यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा झूला टाइप भी है कि यहाँ पे हम झूला मतलब झूल सकते हैं, है ना। हाँ। और बहुत प्यारा सा लग रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ रियल झाड़ भी है, कुछ आर्टिफिशियल झाड़ भी है। हाँ, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी आप लोग बैठ के कुछ भी जैसे कि पार्टी वगैरह कर सकते हैं। टी कॉफी वगैरह के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, है ना। फैमिली के साथ में आप आएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और यहाँ की स्पेशलिटी है कि इधर ये फॉग है, इसमें से पानी निकलता है। अभी वो जब निकलेगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे। हाँ। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताती हूँ। अब हम अंदर एंट्री करेंगे, यानी मेन गेट से। अब मैं जा रही हूँ अंदर। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पे आप लोग हॉल देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। कितने भी ज्यादा लोग आएंगे तो यहाँ पे आराम से कम्फर्टेबल रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी 20 लोग आए हैं यहाँ पर, 20 लोग के लिए काफी मस्त अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर आपको फूड चाहिए तो फूड के साथ में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, विद फूड पैकेज भी मिल जाएगा। हाँ, तो हमारे फूड में यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है वो जब हम डिनर करेंगे, लंच करेंगे या जब नाश्ता करेंगे तब आपको बताएंगे। बराबर। देख सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर सोफा है माशाल्लाह। हॉल बहुत अच्छा है, टीवी है काफी बड़ी, सोफा है। बैठ के आप लोग, तो ये हॉल का व्यू मैंने आपको दिखा दी। आइए अभी हम जाते हैं जैसे कि बेडरूम की तरफ। हाँ। तो रुक सकते हैं। तो एकदम हॉल को लग के ही बाजू में एक बेडरूम दिया गया है यहाँ पे माशाल्लाह। एकदम जबरदस्त सा बेडरूम है। और बेडरूम से डायरेक्ट एंट्री आपको होती है आपके स्विमिंग पूल में। पूल में, ओहो जबरदस्त। डायरेक्ट बेडरूम से आप डायरेक्ट स्विमिंग पूल में, डायरेक्ट पूल में जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त सा ऐसा लग रहा है, देखने में काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी वो फॉग है, क्या बोलते हैं? हाँ, इधर फॉग है, फॉग इधर भी फॉग है। जब चालू होएगा तब मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। हाँ, सिंपल और डिसेंट है एकदम, ज्यादा झगमग मलाबग नहीं है। ऐसा हमारा घर सिंपल है, वैसे बेडरूम सिंपल है। तो यहाँ पे एक हॉल में भी, कॉमन वॉशरूम है। दिया ये देखिए, मस्त 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 मस्त, एक नंबर है। और सफाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सफाई है, पानी की आवाज इतनी जोरों की है कि पूछो ही मत। उसके बाद में फिर एक इधर से भी एक रूम आता है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर भी एक दिया गया बेडरूम। यहाँ पे भी कबाट वगैरह है आपके कपड़े वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे भी कबाट है। इधर पे भी एक बाथरूम दिया गया है ना। इधर का बेडरूम भी काफी प्रीमियम और काफी अच्छा है।
अभी जाते हैं हम तीसरे बेडरूम में, दो बेडरूम हो गया, अभी तीसरे बेडरूम में जाते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे कितने भी लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट होके मतलब रह सकते, आराम से रह सकते, कंफर्टेबल रह सकते, एकदम रह सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो इनकी सफाई बहुत अच्छी है, और फिर आइए हम देखते हैं इनका पूल। पूल इधर का भी मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कि वॉशरूम कैसा है इधर का। लाइट चालू कर दो, लाइट का बटन, पहला बटन, सेकेंड बटन, हाँ ये देखिए माशाल्लाह ब्लैक वॉशरूम। मैं इधर भी वैसी लाइट लगी है, वॉशरूम काफी अच्छे और क्लीन है एकदम, थोड़ा भी गंदा नहीं है ऐसा कि भाई कोई गेस्ट आए तो उसको ऐसा लगे कि मतलब अनक्लीन है, अनहाइजेनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, अच्छा है ना, साफ सफाई एकदम मस्त है ना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं पूल एरिया में। तो देखो ये है पूल एरिया, एक नंबर, कार्निवल हिल विला नाम है इस विला का। ये विला का एड्रेस, ये विला का कॉन्टैक्ट नंबर, ये विला की इंस्टाग्राम आईडी मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने आ रहे हैं, वन डे ट्रिप, टू डे ट्रिप, टू डे स्टे, वन डे स्टे के लिए आ रहे हैं, तो इधर आप लोग ज़रूर आइए। हाँ, अफरोज रेसिपी ब्लॉग को लाइक शेयर, पूल देखिए, पूल में फ्लो कितना अच्छा है, एकदम समुंदर में कैसी लहर आती है वैसी लहर आ रही है। सब इधर टायर वगैरह है, इधर बच्चे लोग के लिए इधर फॉग का इंतजाम भी दिया है। ये फॉग ना कुछ अलग है, कोई यूनिक है ना ये फॉग, ये फॉग सबके इसमें है नहीं, आपका ही में देखा हो पहला विला कि इसमें ये फॉग है ऐसा करके। तो माशाल्लाह यहाँ पे खाना आ चुका है, यहाँ पे खाने में क्या है, खाने में है इधर चिकन का सालन, दाल, सलाद और चपाती, अभी राइस आएगा है ना। मैं कैसा है टेस्ट खाला, अच्छा है टेस्ट, खा लो कैसा है, अच्छा है, घर घर का जैसा है ना। हाँ बस, और यहाँ पे आ गए हैं शेर खान साहब, हमारे घर के मेंबर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे नाना पानी में जाते हुए, और यहाँ पे नाना का जम देखना है, तो जल्दी आ सकते हैं आप लोग स्विमिंग पूल के एरिया में, कम ऑन नाना, ये चले गए, वेल डन नाना। और यहाँ पे आ चुके हैं अफरोज शेख स्विमिंग पूल में जाते हुए, और यहाँ पे एक कदम मम्मी रखने वाले हैं, और यहाँ पे एक कदम रख दिए डरते हुए एकदम, और मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है, चलो मम्मी बताओ, ऊपर ऊपर इसका ऊपर, रुको मैं पापा पकड़ता हूँ, हाँ बोलो, नहीं डर लगेगा, अब्बा भी साथ में जाएंगे, जाओ रेडी, नहीं नहीं नहीं, खालू है खालू है खालू है, अशरफ भी है, अगर जरूरत लगी तो आप उन नाना को भी आवाज दे देंगे। सीढ़ी आराम से उतरो, आराम से एकदम आराम से, अरे नीचे नहीं है तुम उतरो, ओ ठंडा महसूस हो रहा है अम्मी को, ऐसा ऐसा करके अम्मी सीधा जंप मारो, जंप जंप कमान अम्मी, डाइव डाइव, और एक बहन को हाथ देते हुए, और यहाँ देखो अम्मी को स्विमिंग पूल में उतारने के लिए इतने सारे लोग आ गए हैं। अरे नहीं कह रहा है उतरो, समीर भाई है, समीर भाई पकड़ेंगे, सीढ़ी है सीढ़ी है सीढ़ी है, अरे नहीं है, अरे पकड़ा हूँ, पकड़ा
नहीं खड़ा हो, मैं खड़ा हूँ, आ जाओ आराम से। मजा आ रही है, मजा आ रही है। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में, साइड में। तो चले गए अभी, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर, और यहाँ पे देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आ चुका हम लोग स्विमिंग पूल में, काफी नहा के थक गए, अभी थक के इधर आया है कांदा भजिया, फर्स्ट क्लास कांदा भजिया, उसके साथ खाने वाली चटनी, सॉस नहीं, सॉस टमाटो केचप, मस्त एकदम। यहाँ पे सब स्विमिंग पूल से नहा के आ गए बाहर, ये देखिए सब लोग नहा के बाहर आ चुके। तो चले गाइस, वहाँ पे हम लोगों ने आराम से बैठ के भजिए खा लिए, चाय पी लिए, फिर उसके बाद में हम सब मिलके आ गए गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह का गेम खेले, सब लोग गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते खेलते जो आउट हो जाएगा तो वो गाएगा गाना। तो ऐसे ही करके हम लोग सब लोगों ने बहुत मज़े से सब लोगों ने अपने गाने गाए, मेरे फुप्पा फुप्पी ने भी गाए, समीर सना, मेरे बहन भवनई, बाकी मेरे भाई भाभी, हम सब ने मिलके काफ़ी इंजॉय किए, बहुत मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ में गाइस जाने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। फिर मेरे भवनई ने भी गाना गाए मेरी बहन के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग मुझे ये सब देख कर, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी मेरे फैमिली के साथ में मुझे इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर फातिमा और अमीर भी आए थे, उन लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे हमारे साथ में, वो भी हमारे एक फैमिली मेंबर जैसे ही बन चुके हैं अभी, है ना सिर्फ। हाँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए सब हम सब मिलके कैसे गेम खेल रहे, और ये लम्हा और ये पल को मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगी, क्योंकि फैमिली के साथ में ये सब करने के लिए ना बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये देखिए तुम्हारे भाई मेरे लिए गाना गाए, उसके बाद में आसिफ ने भी मेरे लिए गाना गाया, फिर उसके बाद में समीर ने भी सना के लिए गाना गाया। तो हम लोग दिन भर पानी में खेले, फिर बाहर निकले, कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद में अंताक्षरी खेले, खाना खाए, फिर हम लोगों ने थोड़ा अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय किए, अंताक्षरी खेले, सब बहुत से गेम खेले, और उसके बाद में फिर रात के अभी बज रहे हैं 12, फिर सब लोग फिर जा रहे हैं 12:30 बजे, फिर सब लोग ऑफिस से प्लान किए गए, सब लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे, और सब एक दूसरे को ढकलते हुए सब जा रहे थे। और रात में स्विमिंग पूल का मजा ही अलग है, देखिए पूरा कलर चेंज होता है इधर पानी का, और यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, मम्मी जा रहे अंदर, बस 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 आ जाओ, एक पैर और उतरो ना, सीढ़ी है एक और, पूरा इंजॉय करके हो गया, और बज गए सुबह के 4,
सुबह के 4 बजे हम लोग रात का खाना खा रहे। खाना माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था, बटर चिकन था, जवारी की रोटी थी और तंदूरी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा फैमिली ब्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, फैमिली वीडियो देखने के लिए अफरोज रेसिपी ब्लॉग को आप लोग फॉलो कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में हर चीज़ को शेयर करना। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, और मेरे साथ में भी इसी तरह से बने रहिए।